ओके देखो, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। शीट नंबर 9 दी थी पहले, शीट नंबर 9। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कि लेट अस सपोज देयर इज अ ब्लॉक ऑफ 10 केजी एंड फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, म्यू की वैल्यू इज गिवन एज 0.5। तो आपको ये बताना है कि एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो। पहले फोर्स काफ़ी कम है, फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब होगा क्या? फाइंड वेदर द ब्लॉक विल स्लाइड और लिफ्ट अप। अब देखो ना, अगर फोर्स बढ़ेगी तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एफ इंटू कितना कॉस ऑफ 37 और एक ऊपर की तरफ कितना एफ इंटू साइन ऑफ 37। अगर एफ बढ़ता रहेगा, कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाए। और अगर ये वाली फोर्स बड़ी हो गई तो ऑब्वियसली क्या होगी, पहले स्लाइडिंग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऑब्वियसली एन होगा ही होगा, और वेट कितना होगा इसमें 10 इंटू जी होगा, यह इसका वेट है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? पीछे की तरफ होगी, क्योंकि हम इसको कैसे मूव करवा रहे हैं, किसी एंगल पे मूव करवा रहे हैं। तो इस केस में मुझे क्या करना है, स्लाइडिंग की कंडीशन बनाते हैं और एक लिफ्ट की कंडीशन बताते हैं कि लिफ्ट अप कब होगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर इसको आपको ऊपर उठाना है तो ऊपर की फोर्स शुड बी ग्रेटर देन नीचे की फोर्स। इसका मतलब n प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 37 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू जी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इसका मतलब, हाँ सॉरी, ये लिफ्ट अप में आएगा, यस। तो इसमें n प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 37 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 जी। अगर ऐसा हो जाता है तो ब्लॉक विल लिफ्ट अप, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। और लिफ्ट के केस में नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, उसी टाइम जीरो हो जाएगा। तो एफ इंटू साइन ऑफ 37 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 10 जी। और यहाँ से आप जब साइन 37 पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो आपके पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी फोर्स पे बॉडी क्या करेगी, लिफ्ट हो जाएगी, ठीक। और अगर स्लाइडिंग की कंडीशन बनाएंगे तो F into cos of 37 should be greater than equal to force of friction, F into cos of 37 should be greater than mu time normal reaction, और F into cos of 37 should be greater than equal to mu times normal reaction की वैल्यू यहाँ पर आएगी 10 जी माइनस F into sin of 37, ठीक। तो ऊपर से एडजस्ट करके फोर्सेज यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से जब फोर्स की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट की जाएगी, फोर्स की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है कोई 500/11, इतने न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो दोनों में आपने फोर्स की वैल्यू निकाल ली और फोर्स की वैल्यू आपके सामने है, सॉरी 500/11 है। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई लिफ्ट करने के लिए और वो फोर्स की वैल्यू आ गई स्लाइड करने के लिए, ठीक। क्या पॉइंट क्लियर है? तो हमें यह पता लग गया कि लिफ्ट करने के लिए कम से कम इतनी फोर्स चाहिए और स्लाइड करने के लिए इतनी चाहिए। तो बोलो पहले बॉडी क्या करेगी, स्लाइड की लिफ्ट करेगी तो एक ही, ये तो रिक्वायर्ड फोर्सेस हैं लिफ्ट और स्लाइड करवाने के लिए, रिक्वायर्ड है, इतनी फोर्स चाहिए। तो एक्चुअल में जब आप फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, पहले स्लाइड की लिफ्ट, स्लाइड, ऐसा क्यों? वो छोटी है। देखो जैसे मान लो जो छोटी फोर्स है 500/11 है और बड़ी फोर्स इतनी है, तो जब आप फोर्स बढ़ाओगे 0, 1, 2, 3, 4, तो पहले कौन सी फोर्स आएगी, छोटी वाली, फिर आएगी बड़ी वाली। तो छोटी कंडीशन पहले ट्रू हो जाएगी, तो इसका मतलब बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट। तो पहले बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है, तो 2.5 m/s². अच्छा एक मिनट,
तो देखो इसके अंदर एक ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, डायग्राम आपके सामने है, 15 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लग रही है। तो ये एक ब्लॉक है और वॉल के साथ लगा हुआ है, सच दैट इसमें कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है कुछ ऐसे, और इसमें एक फोर्स दीवार की तरफ 40 न्यूटन लग रही है, एक फोर्स साइड पे चाहती है कि ये ब्लॉक साइड पे मूव करे 15 न्यूटन, और वेट कितना ऐड कर रहा है इसके ऊपर, mg। ठीक, देखो 40 न्यूटन की फोर्स तो चाहती है कि ये ब्लॉक चिपका रहे इसके साथ, दीवार के साथ, लेकिन 15 न्यूटन एंड वेट अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। मास इसमें 2 kg है, 2 × 10 = 20, तो दो फोर्सेस, 20 न्यूटन चाहता है कि ये ब्लॉक नीचे गिर जाए और 15 न्यूटन चाहता है कि ये राइट की तरफ चला जाए। अब जैसे मान लो कोई भी एक ब्लॉक है, और ये वही केस है कि जैसे मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया, कितना 40 न्यूटन, और किसी ने यहाँ 15 न्यूटन और इसका 20, तो अगर कोई फोर्स यहाँ लगाएगा और इधर लगाएगा तो ब्लॉक इधर मूव करेगा, इधर मूव कुछ करेगा तो टेढ़ा मूव करेगा नीचे की तरफ इस तरीके से। ठीक, तो इस केस में सबसे पहली चीज़ जो नेट फोर्स है इसके ऊपर, जो मूव करवाने की जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 25 न्यूटन। तो नेट फोर्स इसको जो मूव करवाने की कोशिश कर रही है वो कितनी है, 25 न्यूटन है। ठीक, और अगर मैं कौन सी फोर्स चेक करूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जिससे कि बॉडी मूव करती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू 0.5 है, और नॉर्मल रिएक्शन इसमें कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि आप 40 न्यूटन से इसको प्रेस कर रहे हो, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन। इसको मतलब हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 20, पर आपने कितनी अप्लाई कर दी, 25, तो ब्लॉक तो स्लाइड करेगा इसका मतलब। ठीक, और अगर जो ब्लॉक स्लाइड करेगा तो कितनी एक्सेलेरेशन के साथ स्लाइड करेगा, 25 माइनस। अब उसने काइनेटिक फ्रिक्शन तो दिया नहीं, क्योंकि एक्चुअली तो काइनेटिक फ्रिक्शन में रोल प्ले करेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली यही काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हुए कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय मास कितना है, 2, तो यहाँ से आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गई, जिससे कि ये क्या करेगा, मूव करेगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक फोर्स ये रही 15 न्यूटन, एक फोर्स नीचे की तरफ है कितनी, 20 न्यूटन, और ये एंगल निकाल लेना थीटा, तो ऐसे मूव करेगा ना ये ब्लॉक, ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहा है स्लाइड इन दो रिजल्टेंट। तो ये टैन थीटा इज इक्वल टू, ऐसे कर लेना, टैन थीटा इज इक्वल टू 20/15, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 20/15, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ कर लेना। ठीक है, यहाँ तक तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही है जो अभी अभी ने किया, तो आप डायग्राम देख सकते हो, 5 kg है, 100 न्यूटन है, और इस केस में आपको ये बताना है कि बॉडी स्लाइड करेगी या नहीं करेगी। रादर वन क्वेश्चन को छोड़ के 2 क्वेश्चन करो, सेकेंड करो, फर्स्ट वाला तो इसकी बिल्कुल जैसा ही है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर 5 kg का ब्लॉक है, म्यू के म्यू एस गिवन है, 500 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन है, तो आप चेक कर सकते हो बी केस में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आपके पास 5 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, 500 न्यूटन है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसमें 500 न्यूटन है। नॉर्मल रिएक्शन 500 न्यूटन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे म्यू एस इंटू 500, सॉल्व करोगे तो म्यू एस इंटू 500 200 न्यूटन आ रहा है, और ऐसी काइनेटिक फ्रिक्शन जब कैलकुलेट करोगे म्यू के इंटू 500 दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो सॉल्व करके 150 न्यूटन आ रहा है। जस्ट निकाल के रख लेते हैं। इसको मूव करवाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 200, और आपने ये तो नॉर्मल रिएक्शन लगाया आपने इसके ऊपर, इसका वेट अपना कितना है, इसका वेट अपना 5, यानी कि कितना 50 न्यूटन है। अब एक चीज़ चेक करो, इसको हिलाने के लिए कम से कम 200 न्यूटन चाहिए, और आपकी नीचे की तरफ फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन है, तो आपकी फोर्स तो कम पड़ गई, और हिलाने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या काउंट करेंगे, तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा, 50 न्यूटन इटसेल्फ, अप्लाइड फोर्स ही बन जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो आंसर इज 50 न्यूटन।
और लास्ट पार्ट में, बिल्कुल ठीक, कंपोनेंट से हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो लास्ट पार्ट है उसमें ये ब्लॉक जो है ये 12 केजी का ब्लॉक है और फोर्स कितनी लग रही है इसमें, 500 न्यूटन लग रही है। तो फोर्स ये लो 500 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लग रही है और सच दैट कितने एंगल पर लग रही है, इसका जो एंगल है वो कितना है, 37 है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 500 इनटू कॉस ऑफ कितना, 37। सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 400 न्यूटन। और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, वर्टिकल ऊपर की तरफ कितना, 500 इनटू साइन ऑफ कितना, 37, जो कि सॉल्व करके कितना आ रहा है, 300 न्यूटन। तो मतलब आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से बन गया कि ये 12 केजी का ब्लॉक है, इसको 12 इंटू जी 120 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एक फोर्स लग रही है 400 न्यूटन ऊपर की तरफ और एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ 300 न्यूटन ऐसे, ठीक। तो नेट फोर्स जो इसको ऊपर लेके जा रही है, ऑब्वियसली ये नीचे नहीं गिरेगा, ये ऊपर ऊपर जाने की कोई पता नहीं, स्लाइड करेगा नहीं करेगा, तो ऊपर की नेट फोर्स कितनी है, 300 माइनस 120 है, ठीक हो गया यहाँ तक। इतनी फोर्स से ऊपर जाएगा, अब जाएगा नहीं जाएगा वो कौन बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, जितनी भी गिवन है, और नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितने गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितना हो जाएगा, 400। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर्स आ रही है 160 न्यूटन। अब आपकी फोर्स जो है ऊपर जाने की वो 160 से तो बड़ी है, इसका मतलब ये स्लाइड करेगा ऊपर की तरफ, और अगर ये स्लाइड करेगा तो कितनी एक्सेलेरेशन से करेगा, ऊपर की फोर्स यहां पर कितनी आ जाएगी, 280 ओ 180 180। तो 180 की फोर्स इसको ऊपर खींच रही है नेट, इन दोनों को माइनस करके, ठीक, माइनस अब इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कहां ऐड करेगी, नीचे की तरफ एफ के, एफ ऑफ के डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मास, और एफ ऑफ के आपको निकालना पड़ेगा म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन की जगह कितना, 400। वैल्यूज पुट कर लेना, एक्सेलेरेशन आ जाएगी और एक्सेलेरेशन सॉल्व करके आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, क्योंकि स्लाइड करेगा तो काइनेटिक अपना रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी में आंसर आएगा इसका, दो केस आने पड़ेंगे इसमें, राइट, मिनिमम और मैक्सिमम वाला। तो इसमें एक्सेलेरेशन तो नहीं ली, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। बस कंडीशन बता देता हूँ, तुम सर्कुलर स्टार्ट कर लो, सर्कुलर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो,
देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक फिर से एक वॉल है, ये एक ब्लॉक है, इस बार फिर से पी फोर्स से आप इसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो पी के दो कंपोनेंट्स हैं, पी इंटू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है पी इंटू साइन थीटा, और वेट इसका कितना है एम जी। ठीक है यहाँ तक? तो ये फोर्स, ये वैल्यू बनेगी, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा अगर और क्लियर बनाएं तो ये मास एम है, तो एक वर्टिकल फोर्स इस पे एक्ट कर रही है कितनी पी इंटू साइन थीटा, और एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है कितनी पी इंटू कॉस थीटा, जो कि इटसेल्फ क्या एक्ट करेगी नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट कितना है एम जी। देखो ऐसे दो केस बनने वाले हैं, ये बॉडी रेस्ट पे रहनी चाहिए, दो कंडीशंस हैं, या तो पी इंटू साइन थीटा, पी साइन थीटा ग्रेटर देन एम जी है, इससे बड़ा है लेकिन फिर भी ये सिस्टम रेस्ट पे है, यानी कि इस सिस्टम की टेंडेंसी ऊपर जाने की है पर जा नहीं पा रहा, तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी, नीचे ऐड करेगी, तो इक्विलिब्रियम के अंदर पी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस एम जी, पी इंटू साइन थीटा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम जी, या पी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन की जगह पी इंटू कॉस थीटा प्लस कितना एम जी। सॉल्व कर लो तो पी की वैल्यू सॉल्व करके इसमें आ रही है एम जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा, और नेक्स्ट केस है इफ पी साइन थीटा लेस देन एम जी, तो इसमें टेंडेंसी अगर ऊपर की फोर्स कम है नीचे की फोर्स ज़्यादा है तो टेंडेंसी ब्लॉक की नीचे गिरने की है, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर एक्ट करेगी, तो आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनेगी, पी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी, पी साइन थीटा प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट एम जी, पी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू इंटू पी इंटू कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन की जगह इज इक्वल टू वेट एम जी। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके पी की वैल्यू आ रही है कोई एम जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस थीटा, दो पी की वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा बोल दें ये पी की मैक्सिमम वैल्यू है और ये पी की मिनिमम, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम आएगी, इसमें डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ये दो वैल्यूज़ हैं जिनके बीच में पी लाई करेगा तो सिस्टम रेस्ट पे ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बना लेने आपने, टी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, चेक कर लो एक बार, हाँ 11/5 है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से डायग्राम देख लो, बस इसमें टेंशन जो ब्लॉक है टेबल कुछ ऐसे है और ये कुछ एक पुली के साथ अटैच्ड है सच दैट नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है, इसका मास जो है वो एम ऑफ बी है, इसका मास एम ऑफ ए है, तो यहाँ पर एम ऑफ बी इंटू जी हो जाएगा, यहाँ टेंशन टी एन टी हो जाएगी, यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है 37, तो टी इंटू कॉस ऑफ 37, और ये क्या कितना हो जाएगा t इंटू साइन ऑफ 37, और इसका वेट हो जाएगा m ऑफ a इंटू जी, और फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ ऐड करेगी, तो मतलब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, दिस t cos थीटा माइनस f इज ma, इसमें t cos दिस माइनस दिस इज ma, और इसमें m दिस माइनस दिस इज ma, उसे नॉर्मल क्वेश्चन है, 11/5 आंसर है इसका मास का, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाए 11/5, चेक कर लेना 11/5। नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं, तो जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट्स कर लेते हैं हम, पहला पार्ट का आंसर देख लो और बी पार्ट का देख लो, थर्ड अपने आप हो जाएगा।
देखो इसमें कुछ ऐसा हो गया कि ये अरेंजमेंट है नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का, ये ब्लॉक बी है, ये ए ब्लॉक है और ये फोर्स एफ हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। कह रहे ब्लॉक ए और बी का तो वेट गिवन है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें गिवन है फॉर ऑल दी सर्फेसिस, का मतलब कि यहाँ पर भी फ्रिक्शन है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है। अब वो कह रहा है कि ए रेस्ट ए पार्ट में दोनों इकट्ठे ही मूव करने चाहिए इसमें, ए पार्ट में वो कह रहा है ए एंड बी स्टिक्स टुगेदर। तो हमें उसे क्या मतलब है कि इसको कौन चाहिए, चिपके हुए हैं, चाहिए एक बॉडी है, चाहे इसको फ्रिक्शन ने रोक के रखा हुआ है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ने रोक के रखा हुआ है, तो इसके अंदर ये मूव कैसे। ठीक, तो इसमें जब ये इकट्ठे मूव करेंगे तो कौन इसको अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन, यहाँ की फ्रिक्शन, और यहाँ की फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम्स एम ए प्लस एम बी इंटू कितना जी। इस फ्रिक्शन को लेने की जरूरत क्या है, ठीक है ये अंदर अंदर एक्ट कर रही है पर सेपरेशन तो हो ही नहीं रही ना, तो आप इसको एक ही बॉडी ट्रीट करो बस, तो आपकी मिनिमम फोर्स जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू टाइम्स एम ए प्लस एम बी इंटू कितना जी, और म्यू भी कौन सा काइनेटिक, बस आंसर आ गया, वैल्यूज पुट कर लेना ठीक। और इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में ए को तो आपने पकड़ के रख ही लिया बिल्कुल रॉड के साथ ही कनेक्ट कर दिया और बी को सिर्फ मूव करवा रहे हो, तो जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, उस डायग्राम के अंदर क्या फर्क है, इस डायग्राम में ए जो है वो एक रॉड के साथ कनेक्टेड है और ये मूवेबल नहीं है, ए मूव नहीं कर सकता, ए सिर्फ फ्रिक्शन लगाएगा, तो बी तो मूव करेगा, तो जब बी मूव करेगा तो इसको एक तो ये फोर्स एक्ट करेगी और एक नीचे एक्ट करेगी एम ए प्लस एम बी इंटू कितना जी, और जब बी राइट मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा इस तरफ, कितनी अपना मास म्यू इंटू एम ऑफ ए इंटू कितना जी, इतनी फ्रिक्शन लगेगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक बस। तो आपकी जो फोर्स होगी वो ऊपर की फ्रिक्शन के इक्वल भी होगी प्लस वो नीचे की फ्रिक्शन के इक्वल भी होगी, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो ये वैल्यूज पुट कर लेना ये फोर्स आएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ ऑलरेडी तो इसको नहीं करेंगे, हाँ पिछले असाइनमेंट में हुआ हुआ ये क्वेश्चन तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव शीट नेक्स्ट पे आओ, कौन सी है, 10 है, 10 है ना ये नंबर, सर्कुलर मोशन वाली, हाँ अभी जो लेटेस्ट है 10 है, हाँ 10 देना। चलो करो स्टार्ट, सर्कुलर मोशन है,